नमस्कार दोस्तों, जो ग्रास बैरियर का जो शटर होता है, ठीक है, जो ग्रास बैरियर का शटर जो उसका बेंडिंग कैसे करते हैं, जो मैन्युअली और उसमें मशीन में ऑटोमेटिक मशीन में वो देखते हैं। इसमें जो शीट एम एस शीट यूज़ करते हैं वो 3 mm का शीट होता है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, उसका जो 3 mm का शीट का जो वेट होता है वो 1 square meter में आपका 23.55 kg रहता है, ठीक है। ये है जो है रोलर मशीन होता है एक, जो आपका कोई भी अगर एम एस शीट है शटर के लिए जो बेंड करना है, जैसे आपका क्रैश बैरियर शटर में आपने देखा होगा जो बेंड आएंगे, ठीक है, उस टाइप का जो बेंड करने के लिए जो रोलर मशीन से इसी से जो कर रहे हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट में मैं ड्राइंग भी दिखा रहा हूँ, इस रोलर मशीन में क्या करना पड़ता है, एक रोलर टाइप रहता है उसके दोनों रोलर के बीच में आपको जो शीट को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद दो हैंडल रहता है जो घुमाने वाला, उस दोनों साइड से वो घुमाना पड़ेगा। जैसे वो घुमाने के बाद आपको जैसे उस टाइप के वो बेंड हो जाएगा, ठीक है, जैसे बेंड होने के बाद आपको फिर इसको आप रुकवा सकते हैं। अभी जैसे ये बेंड कर रहे हैं, उसके बाद उसको निकालने के लिए यहाँ पे बंद कर सकते हैं, जैसे हो गया। अभी यहाँ से जैसे एक ऑन ऑफ स्विच होता है जो अभी ये जो बंद कर रहे हैं, ठीक है, अभी बंद कर लिया। अभी निकालने के लिए इसको हैंडल को लूज़ करेंगे, जैसे इस हैंडल को क्या टाइट करते हैं, इस हैंडल को रोलर को टाइट करके फिर यहाँ से जो मशीन का ऑन ऑफ जो करते हैं उसी से वो अपो रो मतलब ये बेंड होता है जो हैंडल से उसको टाइट करते हैं एक्चुअली। तो अब ये जैसे क्रॉस बैरियर का जो बेंड है वो हो गया है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है, ये शीट का जो क्रॉस बैरियर बेंड है ये हो गया। जैसे ये जैसे क्रॉस बैरियर का आपका दोनों टाइप है, एक तो फ्रिक्शन स्लैब में भी आएगा, ठीक है, एक नॉर्मल जैसे क्रॉस बैरियर जैसी बैरियर होता है उसमें भी आता है। तो इसमें जो इस जगह पे जो बेंड है ना, जिसमें जो दिख रहा है जो बेंड है, इस बेंड के लिए जो है अब बेंड कर रहे हैं, और दूसरा जो बेंड के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, उससे भी हम बेंड कर सकते हैं, और वो भी अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है जो आगे में मैं दिखा रहा हूँ अभी, उसको जो ऑटोमेटिकली कैसे बेंड करते हैं वो टोटली जो ऑटोमेटिक है, इसमें जो हैंडल से जैसे टाइट करे थे वो सब कुछ होगा नहीं है, ठीक है। इसका जो फ्रिक्शन स्लैब विथ क्रॉस बैरियर, इसका टोटल जो शटर बनने के बाद जो मॉकअप बनता है एक मॉडल सैम्पल, उसका मैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी इस टाइप की जो ऑटोमेटिक रोलर मशीन है जो जो शीट का बेंड करता है, पहले बेंड तो हमने वहाँ पर कर लिया जो उस मशीन पर। तो इस मशीन पे क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट आपको जो शीट को रख के इसमें सब कुछ सेट हो जाएगा, कितना जो बेंड करनी है सब कुछ सेट हो जाएगा। सिर्फ एक हैंडल टाइप रहेगा, जो पेडल टाइप रहेगा, जो स्टील कटिंग बेंडिंग मशीन में आपने देखा होगा, ठीक है, जो पैरों से आप दबा सकते हैं, जो पेडल टाइप रहेगा उस टाइप से आप दबाना से आपको ये बेंड हो जाएगा। ये जो दिख रहा है इसी से प्रेस होगा, जो जो देख रहे हैं ना इस जगह से वो प्रेस होगा, जो ये पेडल है इस पेडल को आपको प्रेस करने से ये बेंड हो जाएगा, जो भी जो दबा रहे हैं इसमें जो दिख रहा है आपको। अभी क्या फर्स्ट बेंड जो आपने वो ड्राइंग में देखा था, फर्स्ट बेंड तो हमने वहीं पे कर लिया, जो दूसरी बेंड है वो बहुत हल्का से बेंड है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें कर रहे हैं जो बेंड है। अब देखिए सब कुछ वो सेट कर रहे हैं, जैसे कि दोनों तरफ के दो पेडल है जैसे, ठीक है, दोनों में जैसे सेट कर लिया, उसके बाद इसको चलाएंगे। अभी देखिएगा ये जैसे ऑटोमेटिक बेंडिंग मतलब बेंडिंग है, ठीक है, इसमें आपका जल्दी भी हो जाता है और इसमें कोई मेहनत इसमें नहीं लगता है। अब देखिएगा इसमें कैसे बेंड करते हैं, जैसे पहले रखना होता है उसमें एक मार्किंग पहले करके रखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका बेंड करना है, ठीक है। जैसे मार्किंग पहले कर लिया, उसी मार्किंग को वो करके इसको एकदम उसकी ऊपर जो था उसके नीचे तक इसका शीट को टच करना पड़ेगा, टच करके रख दिया। उसके बाद जो एक बार उसको जो स्विच को जो ऑन कर लेंगे, ठीक है, इस पेडल से आपका जो ऊपर नीचे वो होगा, जैसे ऊपर से आप आए होंगे अभी जो जैसे अभी बेंड करेगा, देखिएगा बेंड कर लिया जो है, छोटा सा हल्का से बेंड है वो, इसलिए इस मशीन से कर रहे थे, ठीक है, ये बेंड जो है वो हो गया है। तो इस टाइप का आपका दोनों बेंड हो गया जैसे क्रैश बैरियर का। अभी इसमें आपका जो भी एंगल्स हैं एंगल लगा के वो हो जाएगा। ये जो है स्टॉपर है उसका, जो क्रैश बैरियर का स्टॉपर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।